हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं कंजंक्ट्स की। तो देखिए, जब भी हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर हम पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर हमको डुप्लीकेशन अवॉइड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कंजंक्ट्स का यूज़ करते हैं। सो सिंपली आप इसमें ये लिख सकते हैं कि पहले तो आज का हम टॉपिक लिख देते हैं, कंजंक्ट्स। कंजंक्ट्स क्या होते हैं कि दे आर यूज टू अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए कंजंक्ट्स का हम यूज कर सकते हैं। द डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड इफ वी कैन कंबाइन द इफ कंडीशंस। जो हमने पिछले प्रोग्राम में देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने प्रोग्राम बनाया है, उसमें लाइन 2 और लाइन 3 में कि इफ वी कैन कंबाइन द इफ कंडीशन ऑन लाइन 2 एंड 3, पाइथन अलाउज अस टू डू दैट यूजिंग कंजंक्ट सच एज एंड एंड और। तो कंजंक्ट जो है, पाइथन के अंदर दो तरह के कंजंक्ट यूज होते हैं, एक एंड और दूसरा यूज होता है और। ठीक है, अब इसका कैसे यूज होता है, सिंपली आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, से आपने लिखा, से पहले नंबर पे आपने लिखा रोल नंबर, यहाँ पे हमने इनपुट किया और यहाँ पे हमने कहा योर रोल नंबर। ठीक है, ये इनपुट करना है। अब उसका सेकंड में हमने इफ कंडीशन लगा दी कि इफ रोल नंबर 0 इज इक्वल टू C। तो ये जो पिछले वीडियो में हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको आप रिफर करेंगे तो आपको यहाँ पे जल्दी समझ में आ जाएगा। इफ हमने लिखा रोल नंबर 0, यानी पहला एलिमेंट जो है रोल नंबर का, वो अगर सी है, एंड यहीं पे हमने दूसरी कंडीशन दे दी, एंड रोल नंबर वन इज इक्वल टू हमने दे दिया एस, क्योंकि हमें सी एस रोल नंबर ढूंढना था ना, तो ये हो गया एस। तो अगर ये, यहाँ पे देखिए, दो कंडीशन हमने एंड लगा के साथ में दे दी, तो हमने कहा कि से प्रिंट कर दिया और हमने कहा कि से हेलो ब्रो, ये हमने प्रिंट कर दिया। एल्स अगर मान लीजिए ये सीन नहीं है, अगर इनमें से कोई भी वो ब्रेक होता है, तो एल्स में हमने लिख दिया प्रिंट और यहां हमने लिख दिया एक्सक्यूज मी। तो इससे फायदा क्या होगा कि इससे आपको ये एंड लगाने से फायदा ये हुआ कि दो इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे, कि अगर पहला एलिमेंट रोल नंबर 0 C है और दूसरा एलिमेंट रोल नंबर 1 S है, तो ये काम होगा। और इनमें से कोई भी अगर फुलफिल नहीं होती है कंडीशन, तो एक्सक्यूज मी आ जाएगा लिखा हुआ। तो इसको कहते हैं यूज ऑफ कंजंक्ट। अब इसमें क्या होता है कि द कंजंक्ट एग्जीक्यूट्स द इफ ब्लॉक इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू। तो वही मैंने कहा ना कि एंड मतलब अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन, अगर ये दोनों ट्रू होगा तभी ये आएगा, अदरवाइज ये आ जाएगा। ठीक, तो इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक, अदरवाइज एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि लाइन नंबर 2 कैन ऑल्सो बी रिटेन संस्कृतली एज। लाइन नंबर 2 को, जो यहाँ पे आपने ये जो लाइन नंबर 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन नंबर 2 को, फिर से मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ। इफ आप यहाँ लिखिए रोल नंबर, और कहाँ से, 0 से 2 तक, तो यह हमने लिख दिया 0 से स्टार्ट करके 2 एलिमेंट, तो यानी 0 और 1, तो 0 2 ऐसे लिखा आपने। ये क्या है, ये इक्वल टू हमने लिख दिया ऐसे CS। तो इस लाइन नंबर 2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि रोल नंबर 0 से लीजिए, 2 एलिमेंट लीजिए और ये दोनों एलिमेंट CS के बराबर हो।
क्लियर, तो ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरी एग्जाम्पल लेके हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, फाइंड द स्टूडेंट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट वेयर द रोल नंबर मे बी इन कैपिटल और स्मॉल केस लेटर। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट को अपने डिपार्टमेंट के, और जहाँ पे रोल नंबर कैपिटल में भी हो सकता है और स्मॉल में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी तक तो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में रोल नंबर पढ़े थे, वो हम लोगों ने इस तरह से CS 2301B इस तरह, मतलब कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ किया था। अभी वो क्या कह रहा है कि जो रोल नंबर है वो कैपिटल या स्मॉल में भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है इस तरह। ठीक, तब भी इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट कौन सा है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू ऑजमेंट आवर इफ कंडीशन टू इंक्लूड स्मॉल केस लेटर्स टू। अभी तक जो हमने पिछले प्रोग्राम में इफ कंडीशन दिया था, उसमें हमको अब स्मॉल केस लेटर को और ऐड करना पड़ेगा। यानी अब हम प्रोग्राम इस तरह बनाएंगे। देखिए, हमने ये लिया, हमने लिखा रोल नंबर इज इक्वल टू, पहले इनपुट कराएंगे कि भाई अपना रोल नंबर इनपुट कीजिए, तो हमने यहाँ लिखा योर रोल नंबर, ये इनपुट कराया हमने। सेकेंड में हमने कंडीशन दे दिया यहाँ पे इफ। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा इफ रोल नंबर 0 इज इक्वल टू, पहले तो जैसे कैपिटल लेटर लिया, सी लिया हमने ऐसे, और यहीं पे और कंडीशन दे दिया, हमने कहा रोल नंबर 0 इक्वल टू स्मॉल सी, ये एंड। फिर यहां हमने लगाया, ये तो हो गया इफ एंड। फिर यहां हम लिखेंगे, मान लीजिए इसको हटा दीजिए, ठीक है, फिर यहां हम लिखेंगे एंड रोल नंबर वन इज इक्वल टू एस, और अब इसमें क्या करेंगे कि रोल नंबर 1 इज इक्वल टू कैपिटल एस, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे रोल नंबर 1 इज इक्वल टू रोल नंबर 1 इक्वल टू, यहाँ हम लिख देंगे स्मॉल एस। ठीक है, ये इफ कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद हम यहां लिखेंगे लाइन नंबर 3 में प्रिंट, यहां में लिखा हेलो और हेलो ब्रो। ठीक है, एल्स, एल्स मतलब अगर इफ कंडीशन में नहीं फुलफिल होती है, नहीं ट्रू होती है, तो फिर हमने लिख दिया एल्स में, यहां लिखा प्रिंट, और ये लिख दिया हमने एक्सक्यूज मी, ये हो गया एक्सक्यूज मी। ठीक, तो इस तरह से भी अगर हम इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहें, तो इस तरह से भी हम कंजक्ट का इस्तेमाल करके डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब ये दो, जैसे अभी हमने आपको एक आपको एंड, और यहाँ पे देखिए और कंजक्ट दोनों का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये देखिए यहाँ पे ये तो हमने एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और यहाँ पे ये हमने और का इस्तेमाल किया है। अब इसमें क्या होता है कि हेंस
द और कंजक्ट इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। तो और में क्या होता है, अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो फाइनल रिजल्ट ट्रू दे देता है। और एंड में क्या होता है कि जब सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी जो है वो ट्रू रिजल्ट देगा। तो दैट इज इट इवेल्युएट्स टू फॉल्स ओनली इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि द यूज ऑफ पैरेंथेसिस टू कंबाइन द क्लॉजेस बाय द एंड कंजक्ट, दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज और हैज ए लोअर प्रेसिडेंस देन द एंड कंजक्ट। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि और जो होता हैज लोअर प्रेसिडेंस देन एंड कंजक्ट। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज और हैज ए लोअर प्रेसिडेंस देन द एंड कंजक्ट, हेंस इन एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस द मीनिंग ऑफ लाइन टू वुड बी, अगर यहाँ पे आप पैरेंथेसिस नहीं देंगे, ये जो आपने पैरेंथेसिस लगाया है, तो क्या होगा कि इस जो लाइन नंबर टू है, लाइन नंबर टू, इसकी मीनिंग हो जाएगी इफ रोल नंबर 0 इक्वल टू C और रोल नंबर 0 इक्वल टू स्मॉल c एंड। तो ये जो एंड पहले ऑपरेट हो जाएगा और बाद में ऑपरेट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है पैरेंथेसिस का लगाना जरूरी है। अब इसमें आगे एक चीज और आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, कि थोड़ा सा और आपको एंड और कंजक्ट यूज करते समय क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंजक्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए पाइथन प्रोग्राम में। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।